दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं जिसके ऊपर YouTube पे बहुत ही कम वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन मार्केट में काफी लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हाल फिलहाल में मार्केट में इस बिजनेस की जबरदस्त डिमांड है और आने वाले कई सालों तक डिमांड रहने वाली है। आप यूं समझ लीजिए जब तक धरती पे लोग बिजनेस करते रहेंगे इस बिजनेस की भी डिमांड रहने वाली है। तो दोस्तों वो बिजनेस आइडिया है कॉल सेंटर का बिजनेस। दोस्तों वैसे तो आपने कॉल सेंटर्स बड़े बड़े देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे लोग छोटे छोटे लेवल पे भी कॉल सेंटर्स चलाते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको भी छोटे लेवल पे कॉल सेंटर खोलना है तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, और सबसे अहम सवाल अगर हम कॉल सेंटर ओपन करते हैं तो हमको कस्टमर्स कहां से मिलेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। Hey दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास में जितनी भी कंपनीज हैं जो बिजनेस कर रही है, चाहे वो छोटे लेवल पे कर रही हो या फिर बड़े लेवल पे कर रही हो, हर एक को कॉल सेंटर की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों हर एक को कॉल सेंटर की जरूरत क्यों पड़ती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कारण, देखिए दोस्तों जितनी भी कंपनीज है वो हमेशा अपने प्रोडक्ट और सर्विस में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों जब भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो जो कस्टमर्स होते हैं उनको बहुत सारी क्वेरीज होती है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो उनकी क्वेरीज को और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कॉल सेंटर की जरूरत पड़ती है, ताकि कस्टमर को कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी सवाल हो तो वो इजीली एक नंबर पे फोन कर सके और उसके सवाल का उसको आंसर मिल जाए। दूसरा, जब भी कंपनीज नई नई स्कीम लेकर आती है, नए नए ऑफर्स लेकर आती है, तो उन स्कीम और ऑफर के बारे में कस्टमर्स को बताने के लिए भी कॉल सेंटर की जरूरत पड़ती है, ताकि कुछ ही समय में सारे कस्टमर्स को नई स्कीम और ऑफर के बारे में पता चल जाए। तीसरा, प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए भी कॉल सेंटर की जरूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों, आपको भी दिन में बहुत सारे कॉल आते होंगे, सर मैं इस कंपनी से बात कर रही हूं, हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट सेल करती है, क्या आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। इसके अलावा आपको ऐसे भी कॉल आते होंगे, सर मैं इस कंपनी से बात कर रही हूं, हमारी कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड करती है, आपके लिए सर्विस बेस्ट होगी, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे कॉल आते होंगे, तो वो सारे के सारे सेल्स के लिए होते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में ये भी ख्याल आए कि हम तो कभी खरीदते नहीं है, तो क्या जब कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आता है तो कोई उनसे सामान खरीदता है। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि बहुत सारे लोग सामान ना खरीदते हो, लेकिन जिस कंपनी की तरफ से कॉल गया है उसके बारे में कस्टमर के दिमाग में रिकॉल वैल्यू बन जाती है। अब दोस्तों हो सकता है कस्टमर को वो प्रोडक्ट या सर्विस आज नहीं खरीदनी है, लेकिन जब भी खरीदनी होगी तो उसके दिमाग में उस कंपनी का नाम जरूर आएगा जिसकी तरफ से कॉल गया है। तो दोस्तों वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस खरीदने से पहले उस कंपनी को कंसिडर जरूर करेगा। तो दोस्तों इसीलिए आज के टाइम में छोटी से छोटी कंपनी भी और बड़ी से बड़ी कंपनी भी कॉल सेंटर की सर्विसेज यूज करती है। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर कंपनी को कॉल सेंटर की जरूरत पड़ेगी तो वो खुद ही सेटअप कर लेंगे, अगर हम कॉल सेंटर सेटअप करेंगे तो हमारी सर्विस कौन लेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मार्केट के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज भी है उनके खुद के कॉल सेंटर नहीं है। ज्यादातर कंपनीज क्या करती है, अपने कॉल सेंटर की सर्विस को दूसरी कंपनी से आउटसोर्स कर लेती है। दोस्तों इससे कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब दोस्तों मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और उसके अंदर आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, और कस्टमर से बात करने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे चाहिए जो कॉल सेंटर का काम करे, मतलब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो। तो 10-15 लोगों को बिठाने का आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उनके लिए सिस्टम खरीदना पड़ेगा, सारी चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका बहुत अच्छा खासा खर्चा जाने वाला है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े, आपको सिर्फ उतना ही पैसा देना पड़े जितनी बार आपके कस्टमर से बात होती है, चाहे सामने से कॉल करके बात होती है या फिर कस्टमर का फोन आता है तो उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो दोस्तों आपके जितने कस्टमर से बात होगी उतना ही चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। सो इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे? ज्यादातर लोग सेकंड ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों मार्केट में भी ऐसा ही होता है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, छोटी छोटी कंपनीज है, ये अपना खुद का कॉल सेंटर सेटअप नहीं करती है, ये दूसरी कंपनी से अपना काम आउटसोर्स करवा लेती है और इनका काम बहुत ही कम प्राइस में हो जाता है। सो दोस्तों आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, आप भी अपना एक कॉल सेंटर ओपन कर सकते हैं और आपके आसपास में जो भी छोटी छोटी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनको कॉल सेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि अगर किसी को कॉल सेंटर ओपन करना है तो उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब दोस्तों अगर आप कॉल सेंटर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कॉल सेंटर इंडस्ट्री में दो वर्ड्स बहुत ही ज्यादा फेमस है, सबसे पहला BPO और दूसरा KPO। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसके अंदर सिर्फ कॉलिंग का काम होता है। मतलब दोस्तों अगर आप BPO ओपन करते हैं तो आप अपने कस्टमर्स को सिर्फ कॉलिंग की सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों दूसरा होता है KPO, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसके अंदर बैक ऑफिस का सारा काम होता है, जैसे डेटा एंट्री हो गया, इसके अलावा मेलिंग प्रोसेस हो गया, चैटिंग प्रोसेस हो गया, तो इस तरीके का काम होता है। तो दोस्तों अगर आप KPO ओपन करते हैं तो आप अपने कस्टमर्स को बैक ऑफिस की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपने BPO ओपन कर लिया तो उसमें भी दो तरीके के कॉल सेंटर
सेंटर होते हैं, सबसे पहला इनबाउंड कॉल सेंटर और दूसरा आउटबाउंड कॉल सेंटर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इनबाउंड कॉल सेंटर में क्या होता है, कस्टमर सामने से फोन करता है, और आउटबाउंड कॉल सेंटर में क्या होता है, हम कस्टमर को फोन करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप एयरटेल जियो या फिर वोडाफोन के कस्टमर केयर को फोन करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप उनके इनबाउंड कॉल सेंटर को फोन कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आपको जियो की तरफ से, एयरटेल की तरफ से या किसी भी कंपनी की तरफ से सामने से फोन आता है, मतलब आपको आउटबाउंड कॉल सेंटर से फोन आ रहा है। सो दोस्तों आपको यह भी डिसाइड करना होगा कि आप जो कॉल सेंटर ओपन करना चाहते हैं उसमें किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इनबाउंड कॉल सेंटर की सर्विस प्रोवाइड करेंगे या आउटबाउंड कॉल सेंटर की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यह आपको डिसाइड करना होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कॉल सेंटर आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, मतलब आपको एक लोकेशन फाइंड आउट करनी होगी, उसके अंदर ऑफिस का पूरा सेटअप करना होगा, कॉल सेंटर में जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है सारी चीजें आपको वहां पे अवेल करानी होगी, उसके बाद में आपको एम्प्लॉयज को हायर करना है, और उसके बाद में आपके एम्प्लॉयज आपके ऑफिस में आएंगे और वहां पे बैठ के कॉलिंग का काम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों लॉकडाउन के टाइम पे वर्चुअल कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है। इसमें क्या होता है, आपके जो एम्प्लॉयज होंगे वो आपके ऑफिस में नहीं आएंगे, वो अपने घर पे बैठ के कॉलिंग का काम करेंगे। सो अगर आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कॉल सेंटर ओपन कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ऑन साइट कॉल सेंटर की बात कर रहे हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड होता है आप एक ऑफिस सेटअप करेंगे और आपके सारे एम्प्लॉयज वहां पे आएंगे और आपके कस्टमर्स को कॉलिंग की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर आप कॉल सेंटर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी स्पेस की, वहां पर आप ऑफिस का सेटअप करने वाले हैं। देखिए दोस्तों स्पेस अगर आपकी खुद की है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप रेंट पे भी ले सकते हैं। अब दोस्तों जगह आप कितनी बड़ी लेंगे ये डिपेंड करेगा आप कितने एम्प्लॉयज के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप 20 एम्प्लॉयज के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इतनी बड़ी जगह सेटअप करनी होगी जहां पे 20 लोग आसानी से बैठ के काम कर सके। इसके बाद में दोस्तों आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कॉल सेंटर बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास मिनिमम 6 एम्प्लॉयज होने चाहिए, 5 ऐसे होंगे जो कॉलिंग का काम करेंगे और एक आदमी ऐसा होगा जो सबको मैनेज करेगा। अगर मैनेज करने का काम आप खुद करने वाले हैं तो आपको कम से कम 5 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है कॉल सेंटर बिजनेस शुरू करने के लिए। इसके बाद में दोस्तों आपको इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे, जैसे कि आप खुद जानते होंगे कॉल सेंटर में आपने देखा होगा कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, हेडफोन की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ऐसे इक्विपमेंट आपको खरीदने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप कॉल सेंटर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों आप कॉल सेंटर बिजनेस कितने बड़े लेवल पे शुरू कर रहे हैं, कितने ज्यादा एम्प्लॉयज के साथ शुरू कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कितने इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। मान लीजिए आप 5 एम्प्लॉय के साथ कॉल सेंटर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको स्पेस की जरूरत पड़ेगी, स्पेस के ऊपर आप पूरा ऑफिस का सेटअप करने वाले हैं, सारे इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको कुछ पैसे एज ए वर्किंग कैपिटल भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी जगह रेंट पे हुई तो आपको रेंट पे करना होगा, मेंटेनेंस का खर्चा जाएगा, इसके अलावा जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं मतलब आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अगर आप 5 एम्प्लॉय के साथ शुरू करते हैं तो आपके पास कम से कम 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर आप जानना चाह रहे हैं कि कॉल सेंटर बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों आपको ओएसपी और डॉट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ओएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ओएसपी का फुल फॉर्म होता है अदर सर्विस प्रोवाइडर, और डॉट का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सो दोस्तों इनसे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक बार जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो उसकी वैलिडिटी जो डेट होती है वो 20 साल की होती है, उसके बाद में आपको उसको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। अगर आप कॉल सेंटर बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों इंडिया में दो तरीके के कॉल सेंटर होते हैं, सबसे पहला होता है इंटरनेशनल कॉल सेंटर और दूसरा होता है डोमेस्टिक कॉल सेंटर। इंटरनेशनल कॉल सेंटर में बाहर की कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड की जाती है, मतलब जो कंपनीज इंडिया के बाहर है, फॉरेन कंट्रीज में है, उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और डोमेस्टिक कॉल सेंटर में क्या होता है, इंडिया की जो कंपनीज होती है उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब दोस्तों मान लीजिए आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर ओपन करते हैं तो उसका क्या रेट चलता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों उसका रेट चलता है 1000 कॉल का $500 से लेकर $10,000। $500 मतलब होता है $35,000 और $10,000 मतलब होता है ₹7 लाख। मतलब दोस्तों 1000 कॉल रिसीव करने का ₹35,000 से लेकर ₹7 लाख तक मिल सकता है। ये इंटरनेशनल कॉल सेंटर की बात कर रहा हूं। अगर आप डोमेस्टिक कॉल सेंटर ओपन करते हैं तो आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कितने पैसे चार्ज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना खर्चा कैलकुलेट करना होगा। अब दोस्तों मान लेते हैं आपके पास 5 एम्प्लॉयज हैं और सबकी सैलरी ₹15,000 है, और 5 एम्प्लॉयज एक दिन के अंदर मैक्सिमम 1000 कॉल ले सकते हैं। तो दोस्तों इस 1000 कॉल का आप कितना चार्ज करेंगे वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा आपके एम्प्लॉय की सैलरी है 15,000 रुपया, तो पर डे का हो गया 500 रुपया, तो 5 एम्प्लॉय है तो हो जाएगा 2500 रुपया। इसके अलावा दोस्तों आपने जो लोकेशन ली है अगर वो रेंट पे है तो उसका रेंट मैं पकड़ लेता हूँ पर डे का 1000 रुपया, तो हो जाता है 3500 रुपया। इसके अलावा दोस्तों आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, मेंटेनेंस का कॉस्ट निकलेगा, तो उसका मैं पकड़ लेता हूँ 500 रुपया, तो टोटल हो गया 4000 रुपया। मतलब 1000 कॉल लेने का आपका एक्चुअल कॉस्टिंग पड़ रहा है 4000 रुपया। तो दोस्तों आप अपने कस्टमर से 4000 से ज्यादा ही चार्ज करेंगे तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप 6000 ले सकते हैं, 8000 ले सकते हैं, 10000 ले सकते हैं। इसमें डिपेंड करेगा आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल कितनी अच्छी है, उसके हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा प्राइस उनसे ले पाएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए आपको कोई कस्टमर मिल गया जो आपको 1000 कॉल का 6000 रुपए देने के लिए तैयार हो गया, तो आपका एक्चुअल कॉस्टिंग पड़ रहा है 4000 रुपया और 2000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो उस हिसाब से महीने का हो जाएगा 60000 रुपया। दोस्तों ये मैंने बहुत ही कम बोला है, इससे ज्यादा प्राइस भी आपको मार्केट में मिल सकता है। दोस्तों आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतने ही ज्यादा पैसे आप कमा पाएंगे। और दोस्तों मार्केट का क्या रेट चलता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो कॉल सेंटर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे मेन सवाल आपके दिमाग में अभी भी होगा कि हम कस्टमर्स कहां से ढूंढेंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको कॉल सेंटर बिजनेस के लिए कस्टमर कहां से मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कस्टमर ढूंढने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी, कॉल सेंटर बिजनेस में जो कस्टमर्स होते हैं वो आम पब्लिक नहीं होती, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो आपके कस्टमर्स होंगे। सो आपको क्या करना होगा, आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना होगा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी कंपनी के नाम से लिंक्डइन पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद में जो भी अलग अलग बिजनेसमैन हैं उनको आप कनेक्शन का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और दोस्तों उनके ईमेल आईडी फाइंड आउट करके आप उनको मेल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मैं इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, अगर आपको अपनी कंपनी के लिए कॉल सेंटर की सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको इस तरीके का काम दिलाती है, तो आपको इंडिया लेवल का काम भी मिल सकता है, इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज का भी काम मिल सकता है। सो बहुत सारी एजेंसीज होती है, आपको उनको कॉन्टैक्ट करना होगा, उनको बताना होगा कि मेरे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, अगर किसी को मतलब किसी भी बिजनेसमैन को अगर कॉल सेंटर की सर्विस चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम इस प्राइस में कॉल सेंटर की सर्विस देने के लिए तैयार हैं। सो दोस्तों इस तरीके से आपको कस्टमर मिल सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कॉल सेंटर का काम करती है उनको भी एजेंसी के थ्रू ही काम मिलता है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, एजेंसी को पकड़ना होगा, वहीं से आपको अच्छा काम मिल सकता है। इसके अलावा मैंने आपको एक और ऑप्शन बताया, आप लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपके आसपास में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनसे भी आप डायरेक्टली जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आप इस तरीके की सर्विस देने के लिए तैयार हो, अगर उनको उनके कस्टमर्स के लिए कॉल सेंटर की सर्विस चाहिए तो वो ले सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से आपको कस्टमर मिल सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के